कॉन्ग्रेचुलेशन मधुमिता फॉर सिक्योरिंग सच ए वंडरफुल रैंक, ऑल इंडिया 86 रैंक, बहुत अच्छा रैंक माना जाता है, और डेफिनेटली आपका पहला चॉइस मेरे ख्याल से आईएएस ही है जी हाँ। और आपको आईएएस मिलने जा रहा है, तो इस तरह से आप सिलेक्शन पा करके व्हाट्स योर फीलिंग राइट नाउ, घर वाले आपके बीच में कैसी फीलिंग चल रही है? My family is all very happy and I'm also content that I'm finally out of the cycle of appearing for this examination and looking forward to serve the nation with all my hard work and dedication. Naturally, एक सफर है काफी बड़ा और उसके साथ स्टार्ट होता है, अभी तो काफी लोग मिलने जुलने वाले आपके पास होंगे, एक अप्रिशिएशन होगा। एक कहावत है, well begun is half done, ठीक है? तो सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे की, जो आने वाले एस्पिरेंट्स को आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, लेकिन इस डिस्कशन से पहले सबसे पहले कहते हैं कि तो एन आइडिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आईएएस बनने का आइडिया कब और कैसे आया? जी मेरे पापा एयरफोर्स में हुआ करते थे, 2003 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी, तो उनका एक्सपोजर था बाहर की दुनिया से कि ऐसे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, ऐसी सर्विसेज होती हैं, तो उन्होंने ही सबसे पहले मुझे सजेस्ट किया था कि आपको आईएएस बनना है। बट एग्जैक्ट मोमेंट मैं रिकॉल नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है इस फील्ड में बड़ी ग्रेजुअली डेवलप हुआ, तो स्कूल टाइम से जैसे जैसे मैं फिर कॉलेज में और जब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, पूरा हो गया, तो उसके बाद एक कंक्रीट शेप उस आइडिया ने ली कि मुझे अब आईएएस करना है और मैंने उसकी फॉर्मल प्रिपरेशन स्टार्ट की। इसका मतलब है कि जो सबसे पहले जो आइडिया है उसको जो दिया आपके फादर ने दिया, मे बी बिकॉज ऑफ बीइंग इन द गवर्नमेंट जॉब, कि क्या इम्पोर्टेंस है एक आईएएस ऑफिसर का, वहां से इम्बाइब किया आपने। आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे कि घर में आपके कौन कौन है, फैमिली मेंबर कौन है, आप वो बताना चाहेंगे? जी घर में मेरी मम्मी है, पापा है और मेरे दो भाई हैं, एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है। अच्छा, तो आप मिडिल बॉर्न है तीन दोनों भाइयों के बीच, आप फैमिली से रिप्रेजेंट कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, देश सेवा में, आप गवर्नमेंट सर्विस में जा करके। एक स्टार्टिंग की बात होती है कि कैसे स्टार्ट करें, आपके दिमाग में एक आइडिया आया, तो वो जर्नी के स्टार्ट को आपने किस तरह से अपनी स्टार्ट की, कहाँ से शुरू किया, कब शुरू किया, ये जरा बताइए। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2015 में कोचिंग स्टार्ट की थी और फिर मैं उसके बाद कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करती रही क्योंकि मैं दो साल तक एलिजिबल नहीं थी, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2017 में था, तो उस साल मैं प्रीलिम्स तो क्लियर कर पाई थी बट मेंस अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया था। फिर 18 में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ क्योंकि आई हैव बीन अ टॉपर थ्रू आउट माय एकेडमिक लाइफ, तो फेलियर इटसेल्फ वाज अ शॉक टू मी और एक कॉन्फिडेंस किल जिसे आप कहते हैं वो सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। तो 18 के बाद फिर से मैं दिल्ली वापस गई, फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी दोनों चीजों की, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए, और फाइनली गॉट With God's blessings, I have been able to secure All India rank 86. तो ये शुरुआत आपकी जो 2015 में ही हो गई थी, और जैसे आपने चर्चा की कि जहां तक आपसे चर्चा हुई आपने अचानक एस एकेडमी फाउंडर सेल कोर्स ज्वाइन किया, ये कौन सा बैच था आपका जब ज्वाइन किए? सर ये जून बैच था, मुखर्जी नगर वाली जो ब्रांच है सेंट्रल मुखर्जी नगर में, 2015 वाली बैच जो थी। तो एक आप बेसिकली आपने जो है अपनी एक सॉलिड प्रिपरेशन तो आपने पहले कर लिया था और जिसके कारण से पहला अटेम्प्ट तो आपका प्री हो गया, मेंस में चले गई, लेकिन जैसा आपने कहा सेकंड अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ है, राइट? तो सेकंड अटेम्प्ट में बड़ा ही एक जर्क लगा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं पहले में तो प्री क्वालिफाई करके मेंस कैसे छूट गया, राइट? तो सबसे पहले प्रीलिम्स से चर्चा करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे मेधावी मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो मिस कर जाते हैं, राइट? तो एक प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो मेंस में भी काम आए, जो आप प्री और मेंस दोनों को आपने बार में जैसे कंबाइन कर लिया है, ठीक है, तो उसके लिए आपने जो शुरुआती स्टडी है कौन किस तरह की किताबें पढ़ी, क्या आपका एक अप्रोच रहा, वो थोड़ा सा बताइए। बेसिक बुक्स मैंने पढ़ी थी, मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो सेल्फ स्टडी की थी, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैं सेल्फ स्टडी करती थी और प्रीलिम्स मेरा हो गया था बट वो लगभग आप कह लीजिए कि बिल्कुल एज पर हुआ था सेल्फ स्टडी की वजह से, एंड आई वाज नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि मेरा हो भी जाएगा प्रीलिम्स, बट उस साल हो गया था, पर मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैं बस पढ़ती थी और कह लीजिए कि कंटेंट की जो है मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करती थी। उसमें जो मेरा एक
माइनस पॉइंट रहा वो ये था कि एग्जाम कंडीशंस में मैंने अपने आप को कभी टेस्ट नहीं किया. अच्छा. और इसीलिए मैं एग्जाम हॉल में बड़ी नर्वस हो जाती थी. तो जो मेरे सक्सेसिव अटेम्प्ट, अब ये जो थर्ड अटेम्प्ट मेरा रहा, सेकंड अटेम्प्ट में भी यही प्रॉब्लम थी कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, तो एग्जाम में मैं नर्वस हो जाती थी, जो मुझे आता था मैं वो भी नहीं कर पाती थी. तो इस चीज पे मैंने स्किल पे पहले मेहनत नहीं की आपने. हाँ. इसका बहुत ध्यान रखा कि पढ़ाई के साथ साथ एग्जामिनेशन स्किल जो है वो बहुत जरूरी है. जी बिल्कुल. अच्छा मधुमिता, ये बताइए कि एनसीईआरटी एक फंडामेंटल बॉक्स है स्टडी, जिसके कारण से हर कैंडिडेट की शुरुआत होती है. बट एक स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि कैसे पढ़े एनसीईआरटी, वो कौन से स्टैंडर्ड का पढ़े, क्या पढ़े, तो क्या आपके दिमाग में इस तरह की कंफ्यूजन था? स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, हर कोई एडवाइस देता है, आपके पास इतनी सारी कवरेज है, लेकिन आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें रेलेवेंट है. एक तरह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड की समस्या हमेशा. जी बिल्कुल. एक्सपीरियंस के पास रहती है, तो बीइंग वाइज टू सेलेक्ट राइट सब्जेक्ट कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन क्या है कि ये मैंने आपको स्पेसिफिकली पूछा क्योंकि एनसीईआरटी किताबें तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या करना है, चीजें कैसे याद करनी, और कितना वो हेल्प करता है, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालिए. मेरा अप्रोच ये था कि एक दो बार इन एनसीईआरटी को पढ़ के जो टेस्ट सीरीज है उसको आप लगाइए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी में से कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, जिससे आप इररेलेवेंट चीजों को ना पढ़े बल्कि उसी चीज को पढ़े जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. बेसिकली जो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं या पूछे जा सकते हैं, यदि उसको ध्यान में रखकर के पढ़ाई की जाए तो फिर ये डायरेक्शन वाली पढ़ाई होगी, अदरवाइज तो आप सिर्फ पढ़ाई करते जा रहे हैं. बिल्कुल. लिम्स में वो क्या इम्पोर्टेंट चीजें जिसको ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण से सिलेक्शन, जैसे पहली बार आपका हुआ, सेकेंड टाइम नहीं हुआ, बट थर्ड टाइम फिर हुआ और फिर पानी निकल गई, तो प्रीलिम्स में वो कौन सी बातें हैं जिसको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे एक श्योर शॉट हो कि प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा? इसमें मैं कहना चाहूंगी कि टेस्ट सीरीज का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब मैंने 2019 का प्रीलिम्स दिया तो मैंने करीबन 100 क्वेश्चन पेपर्स मैं कर चुकी थी प्रैक्टिस, जो मैंने कई सारे रूम पे किए थे और बाकी एग्जाम कंडीशंस में मैंने अटेम्प्ट किए थे जाके. जैसे जीएस कोर का एक टेस्ट सीरीज होता है जो आपका स्कूल्स में, जैसे प्रीलिम्स के सेंटर्स आते हैं, एडमिट कार्ड आते हैं, उसी तरह से वो था. तो एक एग्जाम कंडीशन में खुद को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और अगर आपने ये कर लिया तो मैं ये नहीं कहूंगी कि श्योर शॉट है, लेकिन आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो उसमें लेकिन एक फाइनल के क्लैरिटी जिसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्टूडेंट का मानना है कि प्रीलिम्स में बहुत याद करना पड़ता है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो क्या इस तरह की समस्या आपके सामने भी बीच में रही? इसमें कंटेंट तो बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली प्रीलिम्स में, बट एक चीज है गेस पावर जिसे आप कहते हैं, तो उस गेस पावर को आपको मास्टर करना होगा, और वो आप मल्टीपल टेस्ट करके ही कर सकते हैं. 50% क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे आते हैं जो हमने कभी पहले देखे भी नहीं होते, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता है उसको अप्लाई करके कैसे हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, वो चीज सीखना बहुत जरूरी है. टाइम मैनेजमेंट इस एग्जामिनेशन की एक बड़ी बहुत बड़ी चीज है, राइट? कि टाइम लोगों के दिमाग में आता है कि बहुत 15 घंटे पढ़ने होंगे, 16 घंटे पढ़ने होंगे, आपके इस बारे में क्या राय है कि कोई घंटे वाली कैलकुलेशन कोई मायने रखती है क्या, या कुछ और आप सोच कहना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग घंटों से फर्क नहीं पड़ता, बट आप कितना क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है. अगर एक घंटे में आप कर सकते हैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट तो एक घंटा ही काफी है, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपका मन नहीं कर रहा, तो आप 4-5 घंटे भी एक ही टॉपिक पर, एक ही पेज पर एक टक ताकते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा. तो घंटों वाला इक्वेशन मेरे हिसाब से तो काम नहीं. आपका वैसे आपसे पूछें कि आपके एवरेज स्टडी आवर्स डेली के कितने होते थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एवरेज मैं कहूं तो 8 hours to 10 hours ऑन डेली बेसिस. 8-10 घंटे आपके लगातार थे. हाँ जी. बट इस पूरे बैलेंस ऑफ रूटीन में कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करना आमतौर पर, जी बिल्कुल, तो उसके लिए क्या आप लगातार पढ़ती थी या कुछ अपने हॉबीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के कारण से अपने आप को रिक्रिएट भी करते रहते थे? सर मेरा जो शेड्यूल था उसमें डेली एक्सरसाइज 1 hour, एंड जब मैं थक जाती थी या मुझे ऐसा लगता था कि अब और कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत म्यूजिक कभी सुन लिया, इसके अलावा मेरा कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं था ऐसा.
तो आपके कोई हॉबीज भी रहे जिसको आपने इंटरव्यू में या क्वेश्चन में फेस किए होंगे, ऐसा कुछ हॉबी की भी अलग से कुछ थी? हॉबीज तो बिकॉज मैं पिछले काफी टाइम से सिविल सर्विसेज का डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ काम, तो एक्स्ट्रा हॉबीज पे मेरा ऐसा कुछ नहीं था, बट एक्स्ट्रा करिकुलर जो मैं स्कूल टाइम पे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में थी तो वो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था, बट इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। अच्छा, बट ओवरऑल आपने आपको रिक्रिएट करने के लिए आपने जरूर ध्यान रखा कि 8 से 10 घंटे जो है एक्सरसाइज वगैरह कर लिए, बट फोकस स्टडी आपकी लगातार उसमें चल रही थी। थोड़ी सी चर्चा हम मेंस की करते हैं, उसके साथ साथ में सब्जेक्ट की भी चर्चा हो जाएगी। तो जैसे कि आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 है, इसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड ऑल्सो आर्ट एंड कल्चर प्लस सोशल इश्यूज हैं। थोड़ा इस पेपर के बारे में प्रकाश डालिए कि आपका अप्रोच जो है क्या रहा। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री एंड कल्चर, उसके लिए आपने किस तरह से अध्ययन किए? हिस्ट्री एंड कल्चर की बहुत स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, जैसे एक नितिन सिंघानिया बुक है, उसके बाद एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटीज हैं, न्यू एनसीईआरटीज जो हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, और जो एक 11th क्लास की बुक भी आती है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, तो ये मैंने किया। और साथ में जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी में जो आ चुके हैं इनको मल्टीपल रिविजन्स करी, ताकि मैं ये पता लगा सकूँ कि बुक में से भी क्या मुझे पढ़ना चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। एग्जामिनेशन का जो फोकस है पूरे हिस्ट्री में यदि लेते हैं, आपका प्री में तो आपका इंडियन हिस्ट्री है, लेकिन मेंस में आपका एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न प्लस आपके मॉडर्न वर्ल्ड भी है, तो आपके हिसाब से एग्जामिनेशन का फोकस जो है प्री और मेंस दोनों में हिस्ट्री में कहाँ होता है ज्यादा? क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो मेरा वहां से काफी कवरेज हो गया था। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी और ये सारा मतलब हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है। मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि आपका ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, चाहते हैं कि यदि कोई नॉन हिस्ट्री स्टूडेंट है समझना चाहे कि जो फोकस है क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ज्यादा है, कल्चरल हिस्ट्री पे है, इकोनॉमिक हिस्ट्री पे, कहाँ फोकस ज्यादा है और किस सेक्शन में जाते हैं? सर जो मैंने एनालाइज किया है रिसेंट इयर्स में सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पे काफी ज्यादा फोकस है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बैटल्स पे इतना फोकस नहीं है, बट लोग कैसे रहते थे, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, इस सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स में ज्यादा फोकस देखने को मिलता है। ज्यादा मिला आपको। और मेंस में मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न वर्ल्ड के बीच में आपको कुछ खास एरिया जहाँ लगा कि इनसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली ज्यादा बनते हैं और ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो कौन से एरिया है? सर क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो मेरा जो फोकस था वो सिलेबस कम्प्लीशन पे था कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आई शुड बी एबल टू हैंडल इट। कल्चर में आपने कुछ छोड़ा नहीं उसमें, क्योंकि आपने ऑप्शनली कम्प्लीट। आर्ट एंड कल्चर एक स्पेसिफिक एरिया हो जाता है, क्या आपने कुछ अलग से तैयारी की? और नहीं भी की तो चूंकि आप हिस्ट्री की स्टूडेंट भी रही हैं तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए कि क्या फोकस रहा आपका? बिकॉज आर्ट एंड कल्चर इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट और उसमें इतने सारे टॉपिक्स होते हैं जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम हमेशा याद नहीं रख पाते, तो आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिकली प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने जैसे मेन टॉपिक्स होते हैं जैसे आप डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, इन सब पे मेरा फोकस था, बट मेंस जो था वो मैंने ऑप्शनल के प्रस्पेक्टिव से किया था, क्योंकि ऑप्शनल में हमारा एक अलग सेक्शन रहता है आर्ट एंड कल्चर पे जिसमें आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स, एंशिएंट पेंटिंग्स, ये सब सेक्शन रहता है। यदि आपको पूछें कि हाउ टू प्रिपेयर जीएस ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे अपने अनुभव से जो आपने किया और दूसरों को गाइड करना चाहेंगे? सर ज्योग्राफी वॉज अ सब्जेक्ट विच आई पर्सनली फाइंड वेरी डिफिकल्ट, तो इसके लिए मैंने बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो की कि मैंने जो एनसीईआरटीज हैं ज्योग्राफी की 11th एंड 12th क्लास की उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, प्लस जो यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के हैं या मेंस के हैं उनको स्टडी किया और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, तो मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी। वेरी नाइस इसमें। एंड व्हाट अबाउट सोशल इश्यूज, क्या क्या सोशियोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं या कुछ और है उसमें? उसमें इंडियन सोसाइटी का जैसे इसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जीएस 1 में, तो मैंने क्या किया था कि एक किसी भी मैंने जो ली थी, मैंने वाजीराम की बुकलेट ली थी इंडियन सोसाइटी की, तो उसमें सारा मैंने सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लिया था, लेकिन जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आए थे वो अप्लाइड क्वेश्चंस थे, तो हमें बेसिक तो पता था, उनको हमने करंट हैपनिंग्स के साथ इंटीग्रेट करके उसका आंसर वहां पर फ्रेम किया था जो सोशियोलॉजी के अंदर हुआ। लेकिन एक्चुअली जो आपका जो क्वेश्चन का जो बेस है
सोशियोलॉजी में वेयर इज योर फोकस ऑफ द एग्जामिनर, सोशल इश्यूज वाले सेक्शन में कहाँ फोकस करना चाहता है, क्या टॉपिक्स उसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं? मैंने ऑब्जर्व किया है कि दे स्टिक टू द सिलेबस, जो सिलेबस में हमारे क्वेश्चंस हैं, ग्लोबलाइजेशन है, इंडियन वुमेन है, उनके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस है उसके अंदर पे। तो जो क्या इसमें करंट्स के ऊपर फोकस ज्यादा होता है, जो चीजें इश्यूज डिस्कशन में आए तो करंट्स के जो टॉपिक पर्सपेक्टिव उस पे ज्यादा फोकस होता है? सर मेरे हिसाब से यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस बाय ब्लेंडिंग बोथ द एस्पेक्ट्स, द स्टैटिक वंस व्हिच आर मेंशन इन द सिलेबस प्लस जो करंट हैपनिंग्स हमारी हो रही हैं, उनको मिक्स करके यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कर रही है। How to prepare GS second paper of 4 civil service exams? अब थोड़ी इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो जनरल स्टडीज पेपर 2, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि आप अपने अनुभव से इस पेपर में क्या है, कहाँ फोकस है और आप कैसे तैयारी की उसके बारे में बताइए। मैंने GS 2 की प्रिपरेशन इस तरह से की थी कि जो पॉलिटी का स्टैटिक सेक्शन है वो हमारे लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर हो जाता है, प्लस हमारे करंट अफेयर्स, मैंने जैसे विजन आईएएस की बुकलेट दी थी करंट अफेयर्स की, तो उससे मेरा पॉलिटी सेक्शन का जो करंट हैपनिंग्स है वो पूरा हो गया था। आपने काफी वाइड रेंज ऑफ स्टडी ली, जहाँ जहाँ से जो चीज मिला आप उसको करती चले गई और आपने उसके हिसाब से उसको कॉम्प्रिहेंड किया। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें जो फोकस एग्जामिनर का कहाँ होता है, किस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा होता है? इंटरनेशनल रिलेशंस में जो फोकस है वो कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स पे ज़्यादा है, जैसे जापनीज, काफ़ी इंडो जापनीज रिलेशंस, इंडो यूएस रिलेशंस, ये सब काफ़ी न्यूज़ में रहे पिछले साल और क्वेश्चंस इन्हीं में से फ्रेम होकर के हमें देखने को मिले थे यूपीएससी के 2019 के एग्जाम में। अच्छा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मान लीजिए, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पे एग्जामिनर का फोकस होता है? कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस साल अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन आया था जो अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आप डायरेक्टली वहां से लिख सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एनालिटिकल भी होते हैं जहां पे आपको अपनी नॉलेज, जो आपको लक्ष्मीकांत से स्टैटिक नॉलेज मिली है, उसको अप्लाई करके भी वहां पे लिखना होता है। तो आई थिंक देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन एनालिसिस एंड द स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स इन द GS 2 पेपर। जनरल स्टडीज पेपर 3 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी जो एलिमेंट इन सिक्योरिटी है ना वाले जो चैप्टर्स हैं उसके लिए, इकोनॉमी भी उसके अंदर में, आपको क्या लगता है ये सारे जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, इकोनॉमी भी है, सिक्योरिटी भी है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ों को क्यों रखा गया इस पेपर में आपके हिसाब से? इज देयर कोरिलेशन अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स? सर आई थिंक GST हैज अ वेरी डाइवर्सिफाइड सिलेबस एंड इट इज सो बिकॉज दे UPSC वॉन्ट्स अस टू बी वेल वर्स्ड विद ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डील विद ऑन डेली बेसिस, से डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ इंडिया इज अ कंट्री जो वल्नरेबल है डिजास्टर से, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स और फ्लड्स जो हैं वो हम रिकरेंट फिनोमिना के रूप में देखते हैं इंडिया में, कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हम उसके साथ कैसे डील करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत रेलेवेंट इश्यूज हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, मिलिटेंसी का प्रॉब्लम है, तो उनको इनडेप्थ स्टडी करना और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना कि इन चैलेंजेस को हम कैसे टैकल करेंगे जब हम फाइनली सर्विसेज में अपॉइंट हो जाते हैं। तो पूरा फोकस GS3 का यही है कि एक डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स के साथ कैंडिडेट को वेल वर्स करना, ताकि वो जो नॉलेज यहाँ से मिलती है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सके। इसका मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो इकोनॉमी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, लेकिन जब आप डेवलपमेंट में कर रहे हैं तो
यू आर स्टिल केयरफुल अबाउट एनवायरमेंट डिजास्टर और जो रिलेटेड इश्यूज हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू टैम्पर मच विद द एनवायरमेंट एंड द नेचर राइट दैट इज आई थिंक यू वांट यस सर एंड देन ऑफ कोर्स इंटरनल सिक्योरिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट इन द पेपर फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड वो बिल्कुल अलग नेचर का पेपर है क्या जी इसमें एग्जामिनर क्या देखना चाहता है क्या कैंडिडेट के अंदर क्या ढूंढ रहा है I think GS4 because वो उसमें ethics, integrity, aptitude जैसे नाम ही है तो हम कितना समझते हैं moral values को और क्या एक expectation की जा सकती है एक aspiring civil servant से और क्योंकि काफी हमें cases देखने को मिलते हैं corruption के dishonesty के तो ये test करता है कि क्योंकि हमें paper में ज़्यादा reaction time हमारे पास नहीं होता है तो हम जो naturally सोचते हैं हम वही लिख पाते हैं I think this is a way to test कि हमारी moral values और कैसे हम काम कर पाएंगे जब एक्चुअली हम करप्शन का चैलेंज है डिसऑनेस्टी का और जो भी बहुत सारे चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं जो एक सिविल सर्वेंट के लिए वैल्यूज के साथ जब उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो वो किस तरह से उसको टैकल कर पाएगा आई थिंक इस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए GS4 को इंक्लूड किया गया है तो इसमें पेपर जो इसके दो कंपोनेंट कुछ फैक्चुअल डिटेल इंफॉर्मेशन की वाली बात है बट स्पेशली जो केस स्टडीज है उसको तैयार करने के लिए एक कैंडिडेट को क्या करना चाहिए जिसमें अच्छा स्कोर कर सके केस स्टडीज मेरा इस अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा फोकस था केस स्टडीज पे तो मैंने एथिक्स के लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी जिसमें केस स्टडीज के लिए अलग से टेस्ट होते थे तो एक तो चीज ये है दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडीज को कैसे अप्रोच करना है तो इसके लिए जो मैंने किया था कि पिछले साल की जो हमारी केस स्टडीज पहले आ चुकी हैं उनको मल्टीपल टाइम्स एनालाइज करना कि किस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाए प्लस टेस्ट सीरीज में तो हमारी केस स्टडीज होती हैं और एडिशनली सर मैंने एक 4-5 गर्ल्स का हमारा ग्रुप था जो हम हर दिन 1 घंटा कुछ केस स्टडीज को डिस्कस किया करते थे तो इससे हमारा जो केस स्टडी पे है एक डाइवर्सिफाइड व्यू बन जाता था एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हम उसके लिए ढूंढ पाते थे तो ये ब्रॉडली मेरा मेथड रहा है केस स्टडीज को प्रिपेयर करने का आपने भी कहा कि 4-5 लड़कियों का ग्रुप था क्या उनका भी सिलेक्शन उनमें से हुआ कि कुछ लोगों का सर उनका वैसे अभी क्योंकि कोरोना की वजह से उनके स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स जो हैं प्री 2-3 का प्री निकल चुका था तो मेंस उनका डिले हो गया तो अब उसमें वो डिले हो गया इसलिए अच्छा उसके आगे के बैच में और चीजें डिले हुई हैं आपकी बहुत अच्छा तो ग्रुप स्टडी अच्छा आपके इसी बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा ग्रुप स्टडी का क्या वैल्यू होता है और किस तरह के ग्रुप बनाने चाहिए कैंडिडेट को स्पेसिफिकली मैंने सिर्फ एथिक्स के लिए ग्रुप स्टडी की थी और ये बिकॉज केस स्टडीज में हम एक्सट्रीम पे नहीं जाते हैं तो हमारे पास मॉडरेट में कोई सोल्यूशन होना चाहिए तो इसके लिए डाइवर्सिफाइड व्यूज होना बहुत जरूरी है जहां तक बात है ग्रुप स्टडी की आई थिंक इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो कैसे स्टडी करना चाहते हैं एक्सेप्ट फॉर एथिक्स आई डिड नॉट डू एनी ग्रुप स्टडी तो आई वुड से पर्सनल चॉइसेस हैं सबकी लेकिन मेरे ख्याल से आप कहना चाहेंगे कि कोई बहुत बड़े ग्रुप ना बना के एक बहुत सिलेक्टेड लोगों का ग्रुप होना चाहिए जहां एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सके लोग तो जी बिल्कुल मधुबा थोड़ा ऐसे की बात करते हैं 2-2 ऐसे पूछा जाता है 12-12.5 वर्ड्स के ऐसे होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या उनको कंफ्यूजन होता है कि कैसे कहाँ से तैयार करें तो ऐसे में अच्छा करने के लिए आपको कैसा था ऐसे का आप होल्ड कैसा था आपका ओवरऑल जैसे आपने कहा कि ऐसे को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि 2017 का जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा स्कोर था 121 और मैंने सीधा एग्जाम हॉल में जाके ही ऐसे लिखा था तो मुझे ये पता था कि ऐसे मेरी स्ट्रेंथ बन सकता है क्योंकि उस टाइम पे मैंने ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं की थी और फिर भी मैं 121 ला पाई थी तो इस बार मेरा ऐसे पे बहुत स्पेशल फोकस था इसीलिए मैंने उन टॉपर्स की बुकलेट्स जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल था जिनका और जिनका काफी अच्छा स्कोर भी रहा उनकी जो बुकलेट थी उनको मैंने मल्टीपल टाइम्स स्टडी किया कि उनका थॉट प्रोसेस कैसे वो सोचते हैं कहाँ से आइडियाज लेके आते हैं कैसे अपने ऐसे को फ्रेम करते हैं वो मल्टीपल टाइम्स मैंने स्टडी किया और एक स्ट्रेटजी बनाई इसमें मैं स्पेशली आपको एक नाम बताना चाहूंगी विक्रम ग्रेवाल जिनका रैंक 51 था लास्ट ईयर और उनके ऐसे में 161 मार्क्स थे अच्छा। तो उनकी स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से मैंने मोल्ड की और अभी खैर स्कोर तो नहीं आया है पर मुझे लगता है कि ऐसे में मेरे काफी अच्छे नंबर आए होंगे
तो आपने इसको बड़ी अपॉर्चुनिटी भी यूज की, पहली बार आपने देखा कि भाई यदि मैं बिना तैयारी कर करके मैंने दिया तो 20 120 मार्क्स आ गए। इसका मतलब है कि ऐसे में बहुत अच्छा मार्क्स लिया जा सकता है यदि थोड़ा शुरू से कॉन्शियस हो, और आपने एक टॉपर का भी एग्जाम्पल दिया और आप अपनी बात बता रही हैं। लेकिन ऐसे को एक अच्छा करने के लिए किन किन बात को देखना चाहिए, या कहिए कि आप एक अच्छा ऐसे लिखने में किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या क्या बताएंगे आप? जैसा मैंने कहा कि सबका ऑप्शनल अलग होता है, और जो हम कंटेंट लिखते हैं उसमें ऑप्शनल का काफी परसेंटेज रहता है। तो मैं ये सब सजेस्ट करना चाहूंगी सबको कि आप अपने ऑप्शनल में, जो आपका ऑप्शनल है उसमें जो भी लोग जिनके पास वो ऑप्शनल था और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उनकी मेथडोलॉजी को एक बार देख लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए। तो इससे आप अपनी स्ट्रेटजी खुद फ्रेम कर पाएंगे, क्योंकि सर ऐसे बहुत सब्जेक्टिव चीज है, तो उसमें एग्जैक्टली क्या वो की फैक्टर होगा जो आपके लिए मार्क्स फैच करेगा वो बताना बड़ा मुश्किल है। बट जिन लोगों के पहले अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, जिनकी स्ट्रेटजी पहले से ही मतलब काफी इफेक्टिव रही है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये जोर दे रही हैं कि ऑप्शनल जो है आपका, उससे बहुत सारे टॉपिक आपके निकल सकते हैं, कहना चाह रही हैं आप? जी जी। के अंदर में ऐसे के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपसे और चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि जो ऐसे का हेड है, मिडिल है और टेल है, ये तीन पार्ट है, कंक्लूजन मतलब है कि इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट एंड द कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में किस तरह के अप्रोच होने चाहिए लिखने का, और आपने क्या अपनाया? मेरा जो अप्रोच था वो मैं कोट से स्टार्ट करती थी, ऐसे हमेशा कोट्स का मेरा कलेक्शन था। मैंने अपनी जो रूम वॉल्स होती हैं उस पे मैंने कोट्स लिख लिख कर चार्ट्स पेस्ट किए हुए थे, उन पे कोट्स लिखे हुए थे, तो वो मैं देखती रहती थी। बिगिनिंग में भी मैं हमेशा ये मेरा फोकस था कि कोई टॉपिक से रिलेटेड कोट मिल जाए जिससे मैं शुरुआत कर पाऊँ, और एंड भी मैं कोट से ही करती थी। तो आपने अभी कौन से ऐसे लिखे थे लास्ट एग्जाम में, 2019 एग्जाम में, उसका कोट क्या था, थोड़ा सा याद है तो बता दीजिए काम आएगा लोगों को। यस सर, एक जो फर्स्ट ऐसे मैंने लिखा था समथिंग लाइक हार्ड डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस की टू सक्सेस, समथिंग ऑन दोस लाइंस, एंड सेकंड वन वाज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, दोनों दोनों के ऊपर लिखे। जी जी जी। तो सर कोट का ऐसा है कि मैंने एग्जाम हॉल में जाने से जस्ट पहले वो पढ़ा था कोट फर्स्ट ऐसे के लिए, तो मुझे उस टाइम वो याद था तो मैंने वो लिख दिया, और अभी मुझे फिलहाल अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रही हूँ कि वो कोट था क्या। लेकिन कोट जिसे लिखते हैं, एक तो का कि स्टूडेंट्स का उस कोट का इंट्रोडक्शन से कैसे रिलेवेंस बनाए, वो एक चुनौती है। कई बार स्टूडेंट से गलती होती है कि जैसे आपने कहा कि कोट लिखना चाहिए, कोट लिख दिया उसने, लेकिन उसका कोई रिलेवेंस नहीं बना पाया, उसका कोई यूज नहीं है, राइट? तो कोट के अलावा इंट्रोडक्शन में कुछ और भी तो लिखते होंगे ना उसको? सर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोट से मैं बिगिनिंग करती थी, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो सेकंड एसे था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें मुझे कोई कोट नहीं मिला था, एंड तो मैंने कोट से ही किया था, बट बिगिनिंग के लिए कोई कोट नहीं मिल रहा था, तो मैंने टर्मिनेटर मूवी जो थी, जिसमें टर्मिनेटर मूवी का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उस केस में क्या सिनेरियो रहेगा। तो अगर आपके पास कोट नहीं है तो आप किसी स्टोरी से, किसी मूवी के एग्जाम्पल से, इस तरह से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ओके, और मिडिल पार्ट में वो अपने इंट्रो से लेके मिडिल और एंड, इसका कनेक्शन मिडिल में क्या अप्रोच होना चाहिए? ऐसे का जो मिडिल होता है, हर पैराग्राफ में आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका कोर थीम है टॉपिक से, वो लिंकेज होना चाहिए हर पैराग्राफ का। हर पैराग्राफ में आप एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करते हो जो कि रेपिटेशन ना हो। और सर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्सनली मैं अपने ऐसे में मैं कुछ 20 थीम्स डिस्कस करती थी, तो 10 शीट्स पे जैसे मैं हर एक शीट पे दो आइडियाज लिखती थी जिसके मैं दो पैराग्राफ बनाती थी, और ये मैं इंश्योर करती थी कि हर पैराग्राफ का जो लिंकेज है वो कोर थीम से है और उससे मैं कहीं डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ। मतलब उसको है कि एज ए चेन इफेक्ट, कड़ी टू कड़ी आप आते रहे ताकि कहीं से वो जो मेन बेस है वो आप या फ्लो है वो बिगड़ ना जाए। व्हाट अबाउट द कंक्लूजन मधुमिता, हाउ डिड यू कंक्लूड द थिंग्स? आई थिंक कंक्लूजन वाला जो पार्ट है वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग होता था, क्योंकि आई वाज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम व्हाइल कंक्लूडिंग द एसे। तो उसमें भी मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि जो एसे की कोर थीम है उससे ही कंक्लूजन रिलेटेड हो, प्लस एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए,
चाहे आपकी कोई सी भी ऐसी थीम हो जो नेगेटिव भी हो सकती है, बट जो कंक्लूजन होगा वो एक फॉरवर्ड लुकिंग ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर, प्रोग्रेसिव फ्यूचर को डिपिक्ट करें। मतलब एक एक जो है जो कंक्लूजन होना चाहिए ऑप्टिमिस्टिक रूल पे हो, राइट? यस सर। इसमें एक ऑप्टिमिज्म दिखाई दे कि हाउ यू आर गोइंग टू गिव योर ओपिनियन एंड व्हाट विजन यू हैव फॉर द फ्यूचर, राइट? क्योंकि ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, और आपने हिस्ट्री में पढ़ाई की थी क्या, ग्रेजुएशन हिस्ट्री में की थी क्या? मेरा ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में था, बट मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल चूज किया क्योंकि एसए में हेल्प करता है, और जीएस का जो सिलेबस होता है जीएस वन का, उसमें 80% हिस्ट्री का सिलेबस होता ही है, तो वो आपको करना होता है, इसीलिए मैं सिलेबस ओवरलैप के लिए एंड सोली फॉर द ईज फॉर द कन्वीनियंस पर्पस कि सिलेबस तो वैसे भी कवर करना है और सब्जेक्ट्स में भी ये हेल्प करता है, तो मैंने हिस्ट्री इसलिए चूज किया था। हिस्ट्री कोई भी ऑप्शनल का सब्जेक्ट एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कैंडिडेट के लिए कि क्या जीएस को ध्यान के रखना चाहिए, इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, या कोई बैकग्राउंड एक आपका सब्जेक्ट तब लेना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे आप? नॉर्मली जो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपको सिलेबस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है और जहाँ भी ओवरलैप है वहां पे आपका एफर्ट रिड्यूस हो जाता है, तो वैसे मुझे सजेस्ट किया गया था कि आप मैनेजमेंट ले लीजिए, पर मैंने देखा कि जीएस से वो बिल्कुल डिटैच्ड हो जाएगा और स्कोरिंग भी नहीं है, तो थोड़ा स्कोरिंग पोटेंशियल से भी और सिलेबस कवरेज से भी और गाइडेंस आपको कितनी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही ऑप्शनल का चॉइस आपको करना चाहिए। बट एक है कि इंटरेस्ट हिस्ट्री के बारे में नॉर्मली लोगों का, स्पेशली आप मैनेजमेंट की स्टूडेंट रही हैं, तो इंटरेस्ट आपका था या आपने डेवलप किया इसमें, ये बताइए। सर इसमें काफी डेप्थ में मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो जैसे उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया उस टाइम तक मैंने देखा कि मेरा काफी सिलेबस तो पहले ही हो चुका था हिस्ट्री का। Hi, my name is Ranjita Sharma. I have secured rank 130 this year in the Civil Services Exam 2018, and I'm getting into the Indian Police Services with this rank. Here I'd like to mention that I appeared for a mock interview at Chanakya right before my final interview, and the atmosphere provided here at the mock was quite similar to my actual interview. And it helped me remain calm. The feedback provided at the interview was really, really helpful, because it not only helped me understand the areas that I needed to work upon, but at the same time, the positive feedback helped me stay motivated in the run-up to the interview, because the time is very, very crucial. So I'd like to thank Chanakya IAS for all the help offered. Thank you so much. जो ऑप्शनल है उसके आपका हिस्ट्री जो आपको वॉच करेंगे जो इस प्रोग्राम को, उसमें देखेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी कैसे करनी चाहिए जो आपका बैकग्राउंड में नहीं था, तो आपने कुछ बेसिक चीज जो जीएस में आपने जो चाणक्य में किया उसे तो कर लिया, लेकिन आपने उसमें ऐसा क्या किया कि ऑप्शनल में आपका होल डेवलप हो गया? जैसा मैंने आपको बताया कि जब वो अपना कोर्स कर रही थी तो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे एनसीईआरटी में से, एक चीज तो वो, दूसरी चीज बेसिक बुक्स जैसे एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया की बहुत काफी फैक्चुअल है, तो वहां से मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए, फिर मेडिवल इंडिया की सतीश चंद्र है वहां से नोट्स बना लिए, तो इस तरह से करके मेरे पास पूरी हिस्ट्री के नोट्स थे और उन्हीं को मैं बार बार रिवाइज करती रही। फिर 2017 में जब मैंने मेन्स लिखा तो उसमें मैंने टेस्ट सीरीज की थी, टेस्ट सीरीज से भी मुझे काफी हेल्प मिली एनालाइज करने में, रिविजन करने में। तो जब कुछ बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़े होंगे और फिर टेस्ट से उसको कवर कर लिया। जी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके हिसाब से बेसिकली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितना पोर्शन जीएस का भी कवर हो रहा है, और उसमें हिस्ट्री एक बड़ा एक मेजर सब्जेक्ट हो सकता है उस मामले में। दूसरा है कि यदि आप ध्यान से जनरल स्टडीज के सिलेबस को भी कर रही हैं तो ऑप्शनल को आपको डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड बुक और कुछ टेस्ट का प्रैक्टिस कर लें। दिस इज व्हाट यू वांट टू से, करेक्ट? राइट।
थोड़े से आप आपके सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे मधुमिता। आपने एक ही अटेम्प्ट में पास में इंटरव्यू में लिया और अच्छा कर गया, इतना बढ़िया, डेफिनेटली अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया होगा। इंटरव्यू में क्या ढूंढते हैं यूपीएससी के अंदर में, आपको क्या लगता है कि किन चीजों पे फोकस ज्यादा होता है? सर, इंटरव्यू का जैसे एक प्रीलिम्स का सिलेबस है स्पेसिफिक, मेंस का भी स्पेसिफिक सिलेबस है, इसी तरह से पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी कुछ क्वालिटीज हैं जो यूपीएससी मेंशन करती है वहां पे, तो वही मैंने बार बार देखा कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ऑनेस्टी है, और कुछ एक चीजें तो अभी मुझे फिलहाल याद भी नहीं है क्योंकि तो काफी गैप हो गया। यूपीएससी के गाइडलाइंस में लिखे हुए हैं, कई बार बच्चे इसको देखते नहीं है, जिसमें आपने कहा तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उन सारे टर्म्स को देख लें एक बार और फिर मॉक जरूर कर लें। तो मॉक्स में आपको पता चल जाता है कि आपके कहाँ फीड मतलब कहाँ लैग बिहाइंड हो रहा है, कौन कौन सी चीजें, अगर पर्सनालिटी में क्या इश्यूज हैं वो आपको बता देते हैं तो आप रेक्टिफाई कर लेते हैं। मैं पर्सनली आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने शुरू में मॉक्स दिए थे तो मेरा कोई ज्यादा अच्छा फीडबैक नहीं था, बट मैंने उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट किया और फाइनली बाय द टाइम आई अपीयर्ड फॉर द एक्चुअल इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा प्रिपरेशन वहां पे हो गया था। आपने हर फीडबैक को बहुत सीरियसली लिया और उसके हिसाब से आपने को करेक्ट किया। कई बार स्टूडेंट होते हैं कि ऑनेस्ट फीडबैक दिया जाए तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसा करने, बट आपने उस क्रिटिसिज्म को बहुत कंस्ट्रक्टिव ले लिया। कोई ऐसी चीज जो इंटरव्यू में एक खास सिचुएशन आया हो, एक दो क्वेश्चन जो आप ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे, जहां आपने आपको आपने सेव किया या कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन हो या सिचुएशन, वो जरा बताइए। वैसे जब इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस थे वो मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या रहा और उसके बाद मेरे होम टाउन से रिलेटेड इसी टाइप के थे, तो ऐसा पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन तो नहीं था, बट ये जरूर है कि क्योंकि जो भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं तो वहीं पे बैठ के आपको वो आंसर फ्रेम करना पड़ता है, तो वो मैं कहना चाहूंगी कि काफी टेंस सिचुएशन हो जाती है जब आपको इंस्टेंटली आंसर करना होता है वहीं पे आंसर को प्रिपेयर करके। तो ऐसे सिचुएशन में आपने आपको कैसे बैलेंस किया वहां जो है? जैसे मैंने कहा कि मॉक इंटरव्यूज से जो है वो आपका माइंड एक कंडीशन हो जाता है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रेशर वाली सिचुएशन में सोच समझ के आपको एक बैलेंस्ड आंसर देना है, तो वो मैंने काफी प्रैक्टिस पहले कर ली थी तो इसलिए मैं अपने आप को हैंडल कर पाई थी एक्चुअल इंटरव्यू में। एक जो है जो आपने अभी जो बात करी स्ट्रेस मैनेजमेंट की, अपने आपका बैलेंस रखना और कॉन्फिडेंस लगा बनाए रखना, ये सिर्फ इंटरव्यू में नहीं ऑल थ्रू प्रिपरेशन, ये बहुत बड़ी चैलेंजेस होते हैं, तो आपने अपनी पूरी स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया ऑल थ्रू एग्जाम? 2015 में एक जर्नी आपने मेंटेन शुरू किया फाउंडेशन कोर्स चाणक्य से, लेकिन 2020 में आप फाइनली अब 86 रैंक पे आई, तो ये 5 साल का पीरियड है लगभग जो आप लगातार प्रयास, तो इतना बड़ा समय कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, तो ड्राइविंग फोर्स आपका क्या था कि जिससे आपको लगे कि अपना मेरा मोटिवेशन लेवल सही रहा इस कारण से? दिस में व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू मे साउंड अ लिटिल अनरियलिस्टिक टू यू, बट माय ओनली मोटिवेशन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड बीइंग इन दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग वाज दैट आई वांटेड टू रियलाइज माय फादर्स ड्रीम एंड दैट केप्ट मी गोइंग। That is a very big thing because you took your father's dream very seriously कि मुझे इसको अपना पूरा करना है, और ये कोई अपना इंसान आपके बारे में ख्वाब देखता है और उसको इतना सीरियसली लेते हैं, तो सबके अपने अपने रीजन होते हैं, आपके बहुत बड़ा रीजन बना कि आपके फादर की जो ड्रीम है वो आपके अभी सब बूस्ट करता रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब जब ये स्ट्रेस होता होगा आपको कि होगा नहीं हो पाएगा, तब आपको परिवार ने किस तरह से सपोर्ट किया, आपके फादर ने कैसे सपोर्ट किया आपको? मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरा सेकंड टाइम में प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो मैं सोच रही थी कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कहीं और ट्राई करना चाहिए, तो मैं एसएससी सीजीएल एक एग्जाम होता है वहां पे मैंने फॉर्म भी भर दिया था उसका और मैं प्रिपरेशन भी करने लगी थी, बट माय फादर इंसिस्टेड कि आई कंटिन्यू विद सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, तो वो उनका ये बड़ा जैसे मैंने कहा कि एक ड्रीम रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, तो वही एक चीज थी, वही मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप इसी पाथ पे कंटिन्यू कीजिए, जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वो हम आपको देंगे। देखिए इस मामले में बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि दूसरी बार जब प्री नहीं हुआ होगा तो लगा हुआ शायद पहली बार तो चांस से हो गया, दूसरी बार जो है हम काबिल नहीं है तो कुछ नहीं, तो चलो हम किसी एसएससी बैंकिंग में कहीं कुछ कर लेते हैं, बट दिस इज वेयर योर फादर अगेन केम बैक टू मोटिवेट यू बैक, नहीं अब आपको करना ही है।
तो या तो खुद इंसान मोटिवेट रहे या साथ में इस प्रकार के जो अपने खास लोग हैं वो आपको मोटिवेटेड रखें, तो ये बहुत बड़ा मैसेज आने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी होगा इसके अंदर में। एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगा मैं, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड करंट, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट को, करंट का प्रेशर होता है, न्यूज़पेपर भी पढ़ें क्या छोड़ें, क्या करंट्स में छोड़ें और क्या पढ़ें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? करंट अफेयर्स का जैसे बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है, रोज नई नई हैपनिंग्स होती हैं, तो जो शुरू में मैंने गलती की थी वो ये थी कि मैं 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी और उनमें से खुद नोट्स बनाती थी। बट मेरा पर्सनली मानना ये है कि हम जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, हमें जो कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है उसको प्रिपेयर करना है। तो मेरा जो मेथड रहा इस बार वो ये था कि एक न्यूज़पेपर कोई भी आप पढ़ लीजिए, मैं द हिंदू पढ़ती थी, और उसके साथ किसी भी इंस्टीट्यूट की आप एक मैगजीन लगा लीजिए मंथली, तो उससे आपका कवरेज हो जाएगा, मैच्योर होता जाए और आपका एक ओपिनियन फॉर्मेशन हो जाए। अदरवाइज नॉर्मली क्या है कि आजकल करंट अफेयर्स के नाम पर इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जा रहा है स्टूडेंट के ऊपर में कि उसी में खो जाते हैं। एंड आई होप यू विल एग्री ऑन दैट कि करंट अफेयर्स को भी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में जो आपके हैं, चाहे इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, जो सिलेबस के अंदर है उसी के अराउंड करेंट्स का भी एक ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस वही बनता है। आई होप यू विल एग्री विद दैट कि जो उन चीजों में कि इसके क्या आप कुछ नोट्स भी बनाती थी अपने करंट अफेयर्स के ऊपर में? जैसे मैंने बताया कि जब मैं नोट्स बनाती थी तो मैं वो नोट्स बनाने में ही रह जाती थी, इसलिए मेरा जो फोकस था वो ये था कि जो कंटेंट हमें ऑलरेडी अवेलेबल है रिलायबल सोर्सेज से, उसी को मल्टीपल टाइम्स पे रिवाइज किया जाए, जितना याद कर सके और जितना लिखने की प्रैक्टिस करें, दैट विल बी मोर मीनिंगफुल एंड ऑल देयर राइट। आप अपने ओर से कुछ ऑडियंस को और कहना चाहेंगे जो आपको लगे कि जो आने वाले फ्यूचर स्टूडेंट्स आपके जैसे हैं उनको लाभ मिले? एक चीज ये है कि आपके पास एक ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे और आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बने, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने अपने लिए इस गोल को डिसाइड किया है तो आप सेल्फ डाउट बिल्कुल मत करें, डेडिकेशन और परसिस्टेंस के साथ लगे रहे, एक दिन आपको कामयाबी इसमें जरूर मिलेगी। बेसिकली कंसिस्टेंट होना, फोकस्ड होना और एक ड्राइविंग फोर्स, चाहे आप खुद बने रहें या कोई आपके साथ रहे, दैट इज वेरी पावरफुल वर्ड। एंड आई एम श्योर मधुमिता आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो इतना व्यवहारिकता के साथ और बिल्कुल सहजता से आपने बताया, आने वाले ऑडियंस को बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच मधुमिता फॉर कमिंग दिस प्रोग्राम। मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें मोर देन 150 टॉपर्स को लास्ट फ्यू ईयर्स में मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, बहुत लोगों को हेल्प हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की ईमानदारी से अपनी जर्नी आपने बताया और अप्रोच बताया, उसके सुनकर लाखों लोगों को आगे फायदा इससे पहुंचेगा। So thank you very much coming in this program. Thank you very much, sir. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.